हेलो बच्चों, हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें क्लास टेंथ के जो मैथ्स हैं, ठीक है ना, उसके हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को एक सीरीज वाइज से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो हर एक चैप्टर से मैं 20 क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व करूंगा। हर एक चैप्टर का टू पार्ट होगा, सीरीज वन में 10 एमसीक्यूज होंगे और सीरीज टू में 10 एमसीक्यूज होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है उसके मैंने यहाँ पे 10 एमसीक्यू लिए हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं सारे चैप्टर का जो क्लास टेंथ का 1 से लेके 15 चैप्टर तक है, इन सारे चैप्टर का जो एमसीक्यू है, जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, मैं सभी का जो टेस्ट सीरीज है वो 5 से 7 दिन के अंदर में इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि वीडियो इस पर आगे बने। तो आइए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम ये 10 एमसीक्यू को कैसे करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना जी, जो कि बी पे क्या है कि राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम एंगल ए और एंगल सी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को समझने के पहले हम कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहता है। चलिए तो ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे राइट एंगल है हमारा यहाँ बी पे, और ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ठीक है। तो ट्रायंगल का सम ऑफ प्रॉपर्टी एंगल का क्या कहता है कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस बी हमारा राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बी जो है वो राइट एंगल है और ए प्लस सी दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तब 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं अगर कोई हमारे पास एंगल है थीटा, ठीक है ना, तो अगर ये बराबर है 90 डिग्री के, इट मीन्स हम इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे अगर ये थीटा अगर क्या है कि लेस देन है 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री से थीटा का जो वैल्यू है वो कम आता है, इट मीन्स ये हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 से बड़ा आता है तो इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी को ऐड करने पे 90 आ रहा है, इट मीन्स अगर हम ए और सी को अलग अलग करें तो ये 90 से कम होगा, इट मीन्स ये वाली जो हमारी ब्रैकेट है ना इसको फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स हमारा जो ए और सी है वो एक्यूट एंगल है। अब इसमें खोजेंगे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मेजर ऑफ एंगल, बोथ द एंगल शुड बी ऑब्ट्यूस, बोथ द एंगल शुड बी एक्यूट। यहाँ पे सी नंबर जो हमारा जवाब है वो सही है, दोनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, इट मीन्स ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसमें ये हमारे सामने क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके दो साइड जो हैं वो गिवन, हमें तीसरा साइड फाइंड करना है कि तीसरा साइड क्या है, और वो तीसरा साइड यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस वाला रूल लगा देंगे, तो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ये पी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा 9, इट मीन्स ये हो गया 25 इज इक्वल टू ये आ गया 5। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि 5 क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा डी है वो सही है। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स कैन बी साइड ऑफ अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना, इसे अच्छे से समझिए कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जहाँ पे ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के होने के लिए ये हाइपोटेनस होता है, ये पी होता है और ये होता है हमारा बी। तो ये वाली जो फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ये अप्लाई होना चाहिए किस पे, अगर ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का है तो। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन को देखते हैं, इसको हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है 27 का स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये जब हम इसके स्क्वायर को रखेंगे यहाँ और यहाँ ऐड करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। इट मीन्स जो हमारा ए है ऑप्शन, ये गलत है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन बी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको भी रखेंगे तो 9 81 और ये 25 और ये 36 ऐड करेंगे तो ये हमारा 81 नहीं आएगा। इट मीन्स क्या कि ये भी इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी में ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर और प्लस कितना, और 2 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है, ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए 81 प्लस 4 इसको ऐड कीजिएगा, इतना नहीं आएगा। इट मीन्स ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ ये तीन ऑप्शन नहीं है, इसमें जो चौथा ऑप्शन है ना इसे आप टिक कर दीजिए, चूँकि एक ऑप्शन तो सही है ही अगर ये तीन ऑप्शन गलत है। अगर इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 100 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64। इट मीन्स यहाँ भी आ गया 100। तो ये वाली जो ऑप्शन है वो आपकी सही है। ओके, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो यहाँ पर भी हमको सेम पैटर्न पे चेक करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो 8 जा 64 होता है, 6 जा 36 और ये होगा 16। तो ये तो बराबर नहीं आया, इट मीन्स जो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं 24 के लिए। तो ये हो जाएगा, सॉरी पहले 26 है, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 676 और इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 576 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। इट मीन्स इधर भी आ गया 676 और इधर भी आया 676। इसका मतलब है जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये सही है। तो हमें सही जब मिल गया तो बाकी के जो तीन है उसको हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, देन हमें tan थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना इनटू ये हो जाएगा sec थीटा एक प्लस है तो एक माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम एक बार 1 के बराबर कंपेयर कराएंगे, इसको इसके बराबर कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो कंपेयर कराने से पहले मैं इसका क्या करता हूँ कि यहाँ से वैल्यू डाल लेता हूँ x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा sec थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे गिवन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, चूंकि हमें tan का वैल्यू चाहिए तो हम इसको घटा लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के बाद ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, और ये माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू अब यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस एक्स। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, अब ये जो tan थीटा का वैल्यू हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x। अब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे माइनस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। खोजेंगे कि ये ऑप्शन में कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास P cot थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो हमें sin थीटा का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो P cot थीटा इज इक्वल टू ये है रूट अंडर ये हमारा Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, तो ये cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो रूट अंडर माइनस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और बाई कितना P।
हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट, कॉट का वैल्यू कितना है ये, तो ये पूरा का स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 का 1, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा था क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के हम इसका जोड़ बना देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटा पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, इट मीन्स ऊपर बचा हमारा क्यू स्क्वायर, नीचे बचा पी स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू आया हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो अब हमें किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक होता है, इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा उसको हम चेंज कर लेंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, साइन में चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू कहाँ है, ये सी ऑप्शन, इसका मतलब है जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। इस क्वेश्चन में देखिए साइन ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमें सेके इंटू कॉस ए प्लस कॉसे कॉसेक ए इंटू कॉस ए का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवेन होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन ए की बात करें तो ये है हमारा 18 बाई कितना 17। तो इसी तरीके से अगर हम कॉसेक निकालें कॉसेक ए तो इसका उल्टा हो जाएगा, इट मीन्स 70/8, ठीक है। तो दो वैल्यू मिल गया, अब हमें चाहिए क्या, कॉस कॉसेक मिल गया, कॉस मिल गया और यहाँ पे हमें चाहिए कितना सेक और कॉस, कॉस नहीं है तो कॉस निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये रूट अंडर 1 का 1 रहेगा, साइन का यहाँ पे हम रख लेंगे कितना, ये है हमारा 8/17, तो यहाँ पे लिखेंगे 8/17 का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये हो जाएगा 64, ये हो गया 289, इसके नीचे 1 मानेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 289 माइनस 64 और बाई कितना 289 इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा हमारा कितना 225 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 289। इट मीन्स ऊपर वाले का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 15 और नीचे वाला का वैल्यू जो है वो हमारा 17। इट मीन्स हमें कॉस ए इज इक्वल टू मिल गया 15/17। तो सेक ए जो है वो ठीक इसका उल्टा होता है, इट मीन्स 17/15। तो अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो जो पहला है वो है सेक ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे सेक ए इंटू कॉस ए प्लस ये है कॉसेक ए इंटू, एक बार देख लेते हैं फिर से, कॉसेक ए इंटू कॉस ए कॉस ए। चलिए अब सेक का जो वैल्यू है वो है 17/15 और मल्टीप्लाई ये है कितना 15/17, ठीक है ना। प्लस कॉसेक का जो वैल्यू है कॉसेक का वो एक बार नजर डाल लेते हैं कॉसेक पे, वो है 17/8, ओके। तो ये हो गया 17/8 मल्टीप्लाई कॉस ए का वैल्यू जो है वो है 15/17। तो ये देखिए ये 15 कट गया, 17 कट गया, 17 कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना 1 और यहाँ पे बचा कितना 15/8, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 15/8, इट मीन्स 23/8। अब खोजेंगे कि 23/8 जो है वो हमारे ऑप्शन में कहाँ है, तो 23/8 जो हमारा पहला ऑप्शन है यही सही आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन है, इतना में अगर हम इतना से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो जो गिवेन है पहले उसे लिख लेते हैं साइन ए माइनस 2 sin 3a, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए कि ये 3a नहीं है, ये यहाँ पे लिखावट में थोड़ा सा चेंज है, ये पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज हो गया है टाइप करते टाइम में, तो ये साइन क्यू ए है और बाई यहाँ पे है 2 cos QA माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें साइन ए जो है वो कॉमन दिख रहा है तो साइन ए को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 2 sin² a और यहाँ पे हमें बचेगा कितना, अगर हम कॉस ए को कॉमन कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा कॉस ए, यहाँ पे मिलेगा 2 cos² a माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन बाई कॉस ये तो हमें मिल जाएगा कितना 10 a, ओके। अब देखिए इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पे है 2 sin² a,
ठीक है, उसी तरीके से हम नीचे लिख सकते हैं, ये तो कॉस ये कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे टेन ए लिख दिए उसको लेकर, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए, और इसके बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना टेन ए इंटू, अब यहाँ पे ये यह देखिए टू साइन स्क्वायर ए में से एक घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई। अब यहाँ पे देखिए टू कॉस में से एक घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, कट गया, और यहाँ पे हमारा क्या है टेन, तो टेन ए इंटू वन इज इक्वल टू कितना टेन ए, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कॉस ए बाई कॉट ए और प्लस साइन ए, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमारा, ठीक है, तो जो क्वेश्चन है पहले उसे लिखते हैं, कॉस ए और बाई क्या है ये हमारा कॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है साइन ए, तो कॉस ए का कॉस ए रहने देते हैं, कॉट ए का जो वैल्यू होता है वो डाल देते हैं, तो ये होता है हमारा कॉस ए बाई साइन ए और प्लस यहाँ पे हमारा साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए का कॉस ए रहने देते हैं, इसके नीचे वन, इसको डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो साइन ए और बाई कितना कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए जो है वो कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या हमारा प्लस साइन ए, तो यहाँ पर बचा कितना साइन ए और प्लस साइन ए इज इक्वल टू टू साइन ए। अब खोजेंगे ये ऑप्शन कहाँ है, ये बी नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा सही है। चलिए इस सीरीज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, देन हमें इसका जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, ठीक है, तो फाइंड किसका करना है, तो 5 sin थीटा और माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना, तो ये है 5 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे सभी टर्म में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा कितना 5 साइन थीटा और बाई यहाँ पे मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये पूरे का बट्टा कितना फिर नीचे 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस सॉरी नीचे प्लस है 4 कॉस थीटा और बाई कॉस थीटा, तो ये देखिए कॉस से कॉस कट गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 5 tan थीटा माइनस 4, नीचे लिख सकते हैं 5 tan थीटा और प्लस 4। अब देखिए 5 tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या डाल सकते हैं 4, तो इसके जगह पर हम डालेंगे 4 माइनस 4, नीचे फिर इसके जगह पर डालेंगे 4 प्लस 4, तो ऊपर जो है वो हमारा 0 हो गया, नीचे जो है वो 8 हो गया, तो 0 बाई 8 इज इक्वल टू 0, तो अब हम खोजेंगे 0 आंसर क्या है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है सी ये है। तो इस तरीके से हम इस सीरीज में 10 जो एमसीक्यू है वो सॉल्व किए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अगला फिर मैं 10 एमसीक्यू जो है ट्रिगोनोमेट्री पे ही लाऊंगा, और फिर उसके बाद जो अलग अलग चैप्टर हैं वो सारे पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो आए तो आप कॉमेंट करके भी बता सकते हैं और लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।